हेलो, वेलकम टू माय चैनल शिफा क्रिएशंस एंड शिफा हेयर। ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है आर्ट एंड क्राफ्ट का, रीयूजिंग ऑफ ओल्ड ग्लास एंड ओल्ड फिश बोल। बाय रीयूजिंग देम आई मेड कैंडल लैम्प्स एंड अदर थिंग्स टू, सो कीप वॉचिंग। आई मेड मेकअप ब्रश होल्डर, पेन होल्डर, फ्लावर पॉट, कैंडल लैम्प्स बाय रीयूजिंग ओल्ड ग्लास एंड ओल्ड फिश बोल, सो कीप वॉचिंग। यहाँ पर मैंने एक ओल्ड ग्लास लिया, सबसे पहले बिल्कुल क्लीन है। और अब मैं गम का पेस्ट बनाऊंगी। गम के लिए मैंने लिया है फेविकॉल, विच इज़ रियली अमेजिंग गम। अब किसी भी एम्प्टी बॉक्स में मैं गम डालूंगी, थोड़ा सा जितना रिक्वायर्ड है उतना। ये मैंने डाल दिया गम, मैंने फेविकॉल यूज़ किया है। आप अपना फेवरेट गम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेविकॉल इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। गम जितना रिक्वायर है उतना डालने के बाद वी विल ऐड वाटर, अ रियली लिटिल बिट ऑफ वाटर, सॉरी नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टैप वाटर। नाउ आई विल मिक्स इट विथ 000 पेंसिल ब्रश, विच इज़ अ नॉर्मल आर्ट एंड क्राफ्ट ब्रश। आप कोई सा भी पतला ब्रश ले सकते हैं उसके लिए। मिक्स वेल, इतने मिक्स करना है ऐसे कि ये बहुत ज़्यादा ना लिक्विड हो ना बहुत ज़्यादा गहरा हो, लाइक हार्ड हो, तो आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं। गम अगर रिक्वायर्ड हो लाइक पतला बन गया एंड ऑल, तो आप वापस से गम ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ऐड करा है। अब ग्लास लेंगे एंड मैंने यहाँ पे ओल्ड मेकअप ब्रश यूज़ किया है क्योंकि मुझे सॉफ्ट ब्रिसल्स चाहिए थी, तो मेकअप ब्रश से ज़्यादा और कौन से ब्रश के सॉफ्ट ब्रिसल्स होंगे। फिर मैंने इसको यूज़ करा, ये नॉर्मल फाउंडेशन ब्रश है जो ओल्ड है। मेक श्योर अगर आप भी मेकअप ब्रश यूज़ करें तो दोबारा कभी मेकअप में यूज़ ना करो, ऐसे कोई करेगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। इसे अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से लगा लेना है। एंड सॉरी कैमरा हिल रहा है क्योंकि एक हाथ से मैं बना रही थी एंड एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, सो मैं अब इसे लगा रही हूँ अच्छे से। मैं नीचे के साइड भी लगा रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, ये मेकअप ब्रश मुझे मेरी बेस्टी ने गिफ्ट करा था, जब वो वीडियो देखेगी आई डोंट नो क्या रिएक्शन होगा उसका। एनीवेज वीडियो पर आते हैं, तो मैंने गम लगा लिया है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन ग्लिटर। मैं बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डल ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एक चार्ट पेपर मैंने लिया है पिंक कलर का, आप कोई भी ले सकते हो। एक ऐसा पेपर लेना जिसके ऊपर आप ग्लास रखो और ग्लिटर डाल सको ताकि इधर उधर ग्लिटर गिरे नहीं, और इस पेपर से आप बाद में ग्लिटर को स्टोर कर सको। खैर मैंने इस पर अब ग्लिटर भी डाल दिया है। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है, बिल्कुल डल ग्लिटर मैंने जानबूझ कर लिया है। इसे मैं अच्छे से झाड़ लूँगी जब लगा लेंगे। अब मैंने इसके अपोजिट साइड पे गम लगाने के लिए इसको पहले वाले ग्लास से का स्टैंड बनाकर मैंने इसको खड़ा हुआ है। ये भी मैंने सेम प्रोसेस से ही बनाया है। अब मैं इसको मेकअप ब्रश से अच्छे से गम लगा दूँगी। गम लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर ग्लिटर भी डाल दिया है एंड ऐसे ही हमें पूरा ग्लास बनाना है। लास्टली मैं इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट पर गम लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से अच्छे से लगा लेंगे इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट पर। और अब इसके ऊपर मैं ग्लिटर डालूँगी, तो मैं इस पर ग्लिटर डाल रही हूँ। मैंने बिल्कुल सेम ग्लिटर का यूज़ किया है पूरे ग्लास में, आप अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैंने गोल्डन लिया है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। मैंने पहला वाला ग्लास बनाया था सिल्वर एंड मल्टी कलर कॉम्बिनेशन में, और ये मैंने पूरा गोल्डन रखा है। रेडी हो गया हमारा ग्लास, अब मैं इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दूँगी। सेम प्रोसेस से मैंने ये वाला ग्लास एंड फिश बोल भी बनाया हुआ है। ओ माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जब भी रूम की लाइट्स ऑफ थी, रियली बहुत अमेजिंग लग रहा था। फर्स्टली दे गोना यूज़ एज कैंडल लैम्प्स इन द होल प्रोसेस। माय फेवरेट पार्ट इज़ हियर, लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑफ।
After adding candle and rotating it, it was like wow, amazingly wow. Amazing na? DIY lamp को flower pot की तरह भी use कर सकते हो, trust me बहुत pretty लगेगा। मैंने इस DIY lamp को as a holder भी use करा हुआ है, makeup brush holder, pen holder भी आप इसे use कर सकते हो, make sure ऐसी जगह पर रखो कि टूटे ना। By same process you can make a lot of things. Till the next video, stay tuned and of course take care. Bye bye.